गाइज कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, सलामत होंगे। तो गाइज आज मैं आया मेडिकल फेयर में, ये भी प्रगति मैदान में लगा है एक्सपो, ये 27 से 29 तक लगा रहेगा गाइज। आज 26 तारीख है, आज मैं आया हूँ, आज आपको दिखा रहा। प्रगति मैदान में काफ़ी काम चल रहा है, देख रहे हो। अभी तो बिल्डिंगें बन ही रही है, जब ये सब बन के तैयार हो जाएंगी तब और ख़तरनाक लगेगा, और मस्त लगेगा। आज यहीं आए गाइज, वेलकम टू मेडिकल फेयर, आज आपको दिखाएंगे। ये 27 से 29 तक लगा है, हॉल नंबर 4 में और 5 में, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। यार ये वाला तो कल से, मतलब आज विजिटर को आने नहीं दे रहे इसमें, लेकिन यहाँ पे और लगा है, वन अर्थ वन हेल्थ, हॉल नंबर 3 में, इसमें जाके देखते हैं। 2600 कल आऊँगा फिर से यहाँ पे, आज जनरल एंट्री दे नहीं रहे। तो गाइज आज मैं आया था मेडिकल फेयर में प्रगति मैदान में, मुझे लगा आज एंट्री करने देंगे क्योंकि आज 26 तारीख है और लिखा भी हुआ था कि 26 से एंट्री है, जो मैंने इवेंट देखा था गूगल पे, लेकिन आज तो इन्होंने जाने नहीं दिया। एक वन अर्थ वन हेल्थ वाला खुला हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ VIPs को ही जाने दे रहे थे, पॉलिटिशियन या जो मतलब जिनको खुद इन्वाइट किया गया है, वो थे जिनको इन्वाइट किया गया, उन्हीं को जाने दे रहे थे। चलते हैं देखते हैं, बाकी 27 से लेकर 29 तक है, कल देखता हूँ, आता हूँ फिर से। मेरे इतनी दूर से आया था काम बना नहीं, क्योंकि मैंने देखा था 26 को भी है, मुझे डाउट लग रहा था कि यार एंट्री आज होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज एंट्री हुई नहीं, 27 को एंट्री हो गई, इतना दूर भी आना बेकार हो गया। देखते हैं अभी क्या करें, इस साइड चिड़ियाघर है, सोच रहा हूँ चिड़ियाघर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और मेरे पीछे हॉल है प्रगति मैदान का उस साइड। बाकी आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो देखते ही हैं, घूमते ही हैं और आपको दिखाते हैं, बने रहिए मेरे साथ। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं क्या सही है क्या गलत है। प्रगति मैदान के आसपास का नज़ारा है, वहाँ पर रह गया हॉल नंबर 5 वगैरह। यार ये क्या, कौन सा स्टैचू है, ढक रखा है, कोई पक्षी वगैरह है, ढक रखा है, लेकिन ये कोई पुराना किला का है, ये पुराना किला, यहाँ भी आया हूँ, झील है, यहाँ भी पुराना किला की झील है, इसके लिए भी अलग से टिकट लेना पड़ता है। अगर झील में बोटिंग होगी ना तो इसी में आ जाऊँगा, बोटिंग तो मुझे दिख नहीं रही है, यहाँ से दिख जाती है जेल में बोटिंग, और ये मेन रोड पे ही है बिल्कुल। चलते हैं घूमते घूमते, आज आपको दिखाते हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट का ही है ये, आगे आउटडोर जिम, स्टेडियम के पास आ गया मैं, नेशनल स्टेडियम के पास, यहीं पास में था मैं, चलो इसको भी विजिट करते हैं, मैं भी नहीं आया यहाँ पे कभी, कई बार गुजरा हूँ यहाँ से। ये देखो मेजर ध्यानचंद लिखा भी हुआ है ऊपर, हॉकी का ग्राउंड है ये। कब होंगे मैच भाई इसमें, नाले पानी तो चल रहा है, नीले रंग का बना रखा ग्रास पूरा, हॉकी का स्टेडियम है, लोग हॉकी का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मस्त है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नेशनल स्टेडियम, हॉकी का ये सीट्स वगैरह रखी हुई है यहाँ पर। अभी तो खाली पड़ा है, कई बार गुजरा था यहाँ से, आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो हवा भी चल रही है सही,
ये पूरा स्टेडियम में कुर्सी वगैरह लगी हुई है। वो देखो टीवी है वहाँ पे, पानी चल रहा है देखो कितनी तेज़, देख रहे हो, पास जाके देखते हैं भाई। पानी के फुहारे यहाँ तक आ रहे हैं, देख रहे, बहुत दूर दूर तक मार रहा फुहारा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है गाइस, खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग। इसके अंदर भी जाना अलाउ नहीं है, अगर आपके लिंक हैं किसी खिलाड़ी के साथ तो ही आप अंदर जा सकते हो उसके। यहाँ सिक्योरिटी बहुत है, यहाँ पे पुलिस वाले बहुत हैं, क्योंकि पास में इंडिया गेट भी है, इंडिया गेट उस तरफ है और इस तरफ चिड़ियाघर है, उस तरफ इंडिया गेट है, इस तरफ चिड़ियाघर है। सोच रहा हूँ किस साइड जाऊँ, अभी तो यहाँ पर कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा, धूप भी बहुत तेज़ है। सोच रहा हूँ चिड़ियाघर जाऊँ या इस तरफ इंडिया गेट है। तो गाइस आपको मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।